ऋषिकेश की एक महिला जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए अपने बच्चों के साथ देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंची। दरअसल पीड़ित महिला दीपक देवी का लंबे समय से पांव का इलाज चल रहा है, जिसके बीच में 2019 में उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया और इलाज के लिए आर्थिक सहायता के लिए इनकार कर दिया। वहीं इन पर जिलाधिकारी सोनिया ने त्वरित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है, जिसके साथ भारतीय सर्व समाज महासंघ के द्वारा दीपक देवी के इलाज और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं 6 साल से मेरे पति ने मुझे छोड़ा है, ना हमारे साथ दे रहा है, ना बच्चों का देखभाल कर रहा है, और मैं बहुत परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ कि कोई हद से बाहर है। मैं MC से इलाज करा रही हूँ, मेरे पास ना खर्चा ना पर्चा कुछ नहीं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमने कौड़े के DM को भी लिखा था एप्लीकेशन, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। और साथ में हमारे आदमी ऐसे धमकी दे रहे हैं, जो लोग बाद हमारे लिए हेल्प भी कर रहे हैं, हेल्प भी करते हैं, तो उनको भी उल्टे सीधे बोल रहे हैं कि हम ऐसे कर देंगे, सोसाइटी कर देंगे, अपना सोसाइटी कर दूंगा, जो भी लोग जितने मिले हैं उनको लेके हम सोसाइटी कर देंगे।